पनवेल तालुक्यात आदिशक्तीचा उत्सव मोठ्या जल्लोषात सुरू असून अनेक मंडळांच्या वतीने नवरात्रोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या अंतर्गत श्री रामशेठ ठाकूर विचार मंच नवीन पनवेल यांच्या विद्यमाने भव्य नवरात्र उत्सव 2023 आयोजन 14 ते 24 ऑक्टोबर या दरम्यान नवीन पनवेल येथील सिडको मैदान येथे करण्यात आला आहे. यावेळी नवरात्र उत्सवाचा 7वा दिवस उत्साहात साजरा केला. नवरात्र उत्सवानिमित्त पनवेल तालुक्यात विविध ठिकाणी गरबा आणि दांडियाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत नवीन पनवेल येथील सिडको मैदानात माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गरब्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवार 7वा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी या उत्सवाला आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते 7व्या दिवसाच्या विजेत्या स्पर्धकांना बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी गरबा खेळण्यासाठी चिमुकल्यांसह महिला युवती आणि तरुणाई मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, माजी उपमहापौर कविता चौतमोल, माजी नगरसेविका राजश्री वावेकर यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. कि आप सभी पूरे देश का विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके माध्यम से जो हो रहा है उसको पसंद करते हैं. नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन पसंद करता है हाथ ऊपर कीजिए. कि हम पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी जी को. पसंद करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और नरेंद्र मोदी जी हमारे पनवेल में आने वाले 30 अक्टूबर को पनवेल में जहां पर एयरपोर्ट बन रहा है 2024 में जो एयरपोर्ट शुरू होने वाला है वहां पर महिला शक्ति को मिलने के लिए आ रहे हैं. आप सभी ने मिलकर देखा होगा कि दिल्ली बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है. और दिल्ली में जो हमारा नया संसद भवन बना उस नए संसद भवन को समर्पित पहला अगर कोई कानून बना तो महिला शक्ति को ताकत देने का. और अब से लेकर 2029 में जो नया यहाँ पर लोकसभा की संसद बैठेगी उसमें 190 MP लोकसभा में वहां पर महिला होगी. और इसके लिए मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देश की महिलाओं को देना चाहता हूँ. महाराष्ट्र में भी 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें 100 MLA यानी विधायक ये महिला होगी. और ये ताकत जिन नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो हमारे पनवेल में यहाँ पर 30 अक्टूबर को आने वाली है. मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र की सरकार की ओर से आप सभी को निमंत्रित करता हूँ कि ये जो महिला शक्ति को ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है. अपोजिशन हुआ, लोगों ने विरोध किया, पर फिर भी इस कानून को जिन्होंने पारित करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी उन नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को आज इस मंच के माध्यम से सादर आमंत्रण देता हूं कि आप भी सभी महिला शक्ति उस कार्यक्रम के लिए आइए. संतोष अन्ना आपके आने की पूरी व्यवस्था करेंगे. हमारी डॉक्टर कविता चौतमोल जी या यहाँ पर राजश्री वावेकर जी ये आपके आने की व्यवस्था करेंगी. आप सभी सादर आमंत्रित है. आज इस अवसर पर आप सभी के सामने ये निमंत्रण देने का अवसर मुझे यहाँ पर दिया. इसके लिए मैं रामशेठ ठाकुर विचार मंच का अध्यक्ष किशोर चौतमोल जी, संतोष अन्ना और शिवाजी भगत जी आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय भारत.